जमानत जैसे ही दी जाती है उसके बाद एक सुर में एक आवाज उठने लगती है कि मनीष सिसोदिया को सीएम बनाओ, दिल्ली का सीएम बनाओ। कौन कह रहा है ये, आइए आपको सुनवाते हैं। को जमानत मिली है तो अभी फैसला आना है उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है, लेकिन तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे काबिल आदमी है वो, तो मुझे लगता है कि आप सबको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज के लिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। तो ये आप यहाँ पर सुन रहे थे नवीन जय हिंद को, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता है वो, यहाँ पर ये कह रहे थे कि सिसोदिया को अब दिल्ली का सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन आइए अब आपको फटाफट से ये भी बता देते हैं कि सिसोदिया की रिहाई कैसे होगी। देखिए परवाना की बात अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी कर रहे थे जतिन, वो परवाना क्या है, वो है बेल ऑर्डर। अब बेल ऑर्डर भेजा जाएगा, उसी का इंतजार दरअसल वहां पर किया जा रहा है, और जमानती भी साथ में आएंगे। ये कुछ इस तरह से रिहाई का जो प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है, वो रहने वाला है, और फिर जमानत बॉन्ड जो है वो भरा जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, और इसके बाद फिर जो रिहाई की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो वक्त जो दिया गया है वहां पर, जो तमाम आप कह भी देख भी रहे थे, हमारे सहयोगी कह रहे थे जतिन कि 5:30 बजे का वो वक्त वहां पर दिया गया था, और फिर उसके बाद तब तक ये पूरी जो माना जा रहा है ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो 6-7 बजे तक ये माना जा रहा है कि वो तमाम जो प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी और मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएंगे। लेकिन आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि किसने इस पूरे मसले पर, ना केवल शराब घोटाला मामला ये पूरा जिसमें सशर्त जमानत उनको दी गई है, बल्कि मनीष सिसोदिया को लेकर किसने क्या कहा, ये हम अब आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं कि इस जमानत पर किस तरह की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। सबसे पहले हम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है, सिसोदिया ने बच्चों के भविष्य को बदला है। ये आतिशी सिंह ने कहा, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि सभी को जल्द न्याय मिलेगा। इधर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि न्यायालय का हृदय से आभार, सिसोदिया को 530 दिन जेल में रखा गया। इनके अलावा अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का भी रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा, सिसोदिया की जमानत सत्य की जीत है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने भी रिएक्ट किया, उनका क्या जो ट्वीट है वो सामने आया कि मनीष की बेल से बहुत खुशी हुई है, उम्मीद है कि सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। अब इस ट्वीट के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन खैर इधर आरजेडी सांसद मीसा भारती की बात करें तो वो ये कह रही हैं कि सिसोदिया को जमानत मिलना बिल्कुल सही है और पहले न्याय मिलना चाहिए था, पहले ही ये न्याय मिल जाना चाहिए था। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जो इंडिया ब्लॉक के तमाम सदस्य हैं या उनके सहयोगी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। लेकिन सियासत इस पर किस तरह से हो रही है, ये तो आप जो उनके सहयोगी हैं, इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सहयोगी हैं, अलाए हैं, उनकी आपने प्रतिक्रिया सुनी। लेकिन दिल्ली में मैंने कहा ना कि एंटरटेनमेंट का डोज जो है वो समय समय पर दिल्ली वासियों को मिलता रहता है। तो आतिशी सिंह क्या कुछ कह रही हैं और फिर उस पर बांसुरी स्वराज बीजेपी के सांसद जो हैं उनका क्या पलटवार आया, ये भी सुनवाते हैं। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया, आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकार्सरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं।
तो जहां वो शिक्षा मंत्री को मनीष सिसोदिया को जो आतिशी सिंह हैं वो शिक्षा क्रांति का जनक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ये कह रही हैं कि बच्चों की दुआएं क्या या बच्चे इंतजार क्या, बल्कि उन्होंने तो उन्हें पाठशाला से मधुशाला तक का सफर तय करवाया है। लेकिन खैर, मधुशाला की बात हो रही है, उस घोटाले की बात हो रही है, तो कब किसको कैसे बेल मिली वो भी हम आपको फटाफट से यहां पर बता देते हैं। देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने कहा कि ये जीत हुई है उनकी। वो भी खुद 6 महीने बाद जेल से बाहर आए थे इस मामले में। संजय सिंह 6 महीने जेल के भीतर रहे। वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया, तमाम ऐसी चीजें आई थी, वो डिवाइस किस तरह से, वो फोन अलग अलग इस्तेमाल किए गए, उनको कैसे तोड़ा गया, क्या रहा वो डॉक्यूमेंट्स, ऐसी तमाम चीजें जो आम आदमी पार्टी की ओर से तो यही कहा गया था कि चवन्नी तक नहीं मिली उनके घर से लेकर गांव तक में आप देखिए कि किस तरह से वो उनकी टीम पहुंचती है ईडी सीबीआई की, लेकिन चवन्नी तक नहीं मिली। लेकिन तब भी 17 महीने वो जेल में रहते हैं, 1.5 साल वो जेल में रहते हैं, और अब अरविंद केजरीवाल की बेल का इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, वो क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया की इस बेल पर, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अरे, हर चोर को बेल मिलती है, हर कातिल को बेल मिलती है, हर रेपिस्ट को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? 17 महीने ये जेल में रहे, अपनी सजा भुगतते रहे, और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा फिर इनको सजा हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। ये आशा की किरण नहीं है, ये इतने घोटाले के कल किसी और में जेल में चले जाएंगे, ये तो प्रोफेशनल चोर हैं लोग। ये तो प्रोफेशनल चोर हैं और हर चोर को बेल मिलती है, आज ये इस जेल में है तो कल उस जेल में चले जाएंगे। ये केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की आप यहां पर बात सुन रहे थे। तो दिल्ली में सियासी पारा एकदम हाई है। अगर आप किसी से भी मनीष सिसोदिया की लिए अगर आप पूछने जाए जमानत को लेकर, तो वहां से आरोप आता है तो यहां से प्रत्यारोप आता है। लेकिन शराब घोटाले में अब हम आपको बात करते हैं पते की बात और जो फैक्ट्स है उसके साथ वहां पर बात बताते हैं कि सिसोदिया पर दरअसल आरोप क्या है, क्या लगे थे आरोप, कि कंपनियों को, जो कंपनी थी उनसे लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख की छूट दी गई। कितने की? 144 करोड़ 36 लाख की छूट। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए लौटाए गए। कंपनी जरूरी जो एनओसी है लेने में पूरी तरह से नाकाम रही थी। शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया गया। आबकारी विभाग के खिलाफ कई फैसले लिए गए। अमित अरोड़ा को यह नाम भी सामने निकल कर आया था कि उसको किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 2 लाख की वो जो रिश्वत है वो उसे मिली थी। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 से ज्यादा फोन बदले थे। और आप देखिए कि जब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती है कैसे सनसनी से मच जाती है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी तो ये कह रही थी कि हमने कुछ नहीं किया, एक चवन्नी तक उनको नहीं मिली और हमने कोई घोटाला नहीं किया है। तब ये भी हुआ कि भाई फिर आपने वापस क्यों नहीं, इस तरह के भी तमाम सवाल उठे थे। लेकिन सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 43 सिम कार्ड बदले, ये आरोप उन पर था। 43 सिम कार्ड में से 5 सिम कार्ड सिसोदिया के नाम पर थे। ये वो तमाम आरोप।